हेलो दोस्तों, बैचलर की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कढ़ाई वेज पुलाव बाय बैचलर की रसोई, जिसके लिए हम लोगों को चाहिए 2 मीडियम साइज़ प्याज, फ्राइड बीन्स, 1 टमाटर जो चॉप कर रखा है, 2-3 स्लिट मिर्च, अदरक लहसुन, आलू और पनीर को हमने ऑलरेडी सॉटे कर रखा है जिससे हमारा टाइम बचे। कढ़ाई को हम लोगों ने हॉट करने के लिए रख दिया। कढ़ाई गर्म होने के बाद, जैसे ही कढ़ाई गर्म होती है, उसमें 2-3 टेबल स्पून हम लोगों ने सरसों का तेल डालना है। जैसे तेल गर्म होता है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने थोड़े से बेसिक मसाले लिए हैं, 3-4 लाल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जीरा डाल के हम लोग तड़का लगाएंगे। उसके बाद अदरक लहसुन और मिर्च जो हम लोगों ने ऑलरेडी चॉप कर रखा है दोस्तों, उसको डाल के हम लोग अच्छे से सॉटे करेंगे। जैसे सॉटे हो जाए, उसके बाद हम लोग प्याज के लच्छे बनाने हैं हाथ से, पर लच्छे को डाल देंगे प्याज को, अच्छे से सॉटे करेंगे जिससे कि ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। जैसे वो प्याज ट्रांसलूसेंट होता है, उसके बाद हम लोग टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी हम लोग अच्छे से स्टर करेंगे। स्टर करने के बाद 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा दोस्तों। नमक जैसे ही डालेंगे वैसे टमाटर और प्याज गल जाएंगे। उसके बाद जो हम लोग वेजिटेबल्स फ्राइड कर रखे थे, बीन्स, आलू और पनीर को, उसको डाल के हम लोग अच्छे से स्टर करेंगे। तब तक स्टर करेंगे सारे मसाले एक साथ मिल न जाए। उसके बाद हम लोग थोड़े से धनिया डाल के अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोग दोस्तों देख रहे हैं, जैसे इस कलर आने के बाद थोड़े से बेसिक मसाले, बिरयानी मसाला, मैगी मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, लाल मिर्च हम लोग इसके लिए कलर के लिए डालते हैं, जिससे हमारा कलर सुनहरा आए दोस्तों। अच्छे से मिलाने के बाद हम लोग जो हमारा इस स्टेज पर आ जाए, उसमें हम लोग जो चावल फ्राई कर रखे थे, बॉयल कर रखे थे, उसको हम लोग इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। अच्छे से स्टर करेंगे हम लोग। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें धनिया और पुदीने की चॉपिंग करने की करके हम लोग इसमें डाल देंगे। और हम लोग ने थोड़े से अनियन को फ्राई कर लिया था, इसको बरिस्ता बोलते हैं, उसको डालने के बाद 10 मिनट तक हम लोग इसको स्टीम आंच पे पकाएंगे। और बनने के बाद हम लोग इसको रिमूव करके सर्व कर लेंगे। आप बताइए दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो। थैंक यू।